वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन और सामीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक जनरल सिनेरियो दिया, एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट दिखाई, बेनज़ीर ने आपसे बातचीत की और अख़वाले मासूमीन क्या कहते हैं आजकल के सिनेरियो के बारे में, हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे अमल करना चाहिए, उसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई। ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि ब्रेक पे आने के बाद हमारे साथ पाकिस्तान से सहाफ़ी तज़िया निगार कॉलम निगार अनीस मंसूरी साहब होंगे, जो हमें पूरी सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सियासी उतार चढ़ाव क्या कहता है, कौन सी चाल चली गई है, शतरंज की बिसात क्या है और उस पर क्या कुछ हो रहा है, कौन किसके गले लग गया, किसको सोने का सेट मिल गया या डंडों से इस्तकबाल किया गया। जनाब अनीस मंसूरी साहब, वेलकम टू द शो। जी 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 अच्छा ये जी मुझे आ रही है आपके बात। अच्छा मुझे ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखते हैं तो एक तरफ दोस्ती और मोहब्बत के गुन गाए और गीत गाए जाते हैं और इस्तकबाल की बातें होती हैं और कहा जाता है कि जी आप आइए, हम आपको हार डालेंगे, फूल डालेंगे, सोने का सेट देंगे, बाकायदा तहाइफ का तबादला किया जाएगा, लेकिन फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पर एक जो है वो ऐसा इस्तकबाल होता है जिसका मीडिया दिखा दिखा के चीख चीख के ये कहता है कि ये क्या हो रहा है, लातें घूंसे डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल होता है, फूलों की जगह पत्थर निचावर किए जाते हैं और दोनों तरफ से ये कहा जाता है कि ये कोई शरपसंद है, ये हम नहीं थे। खौफ की एक फ़ज़ा थी जिसको खान साहब ने कहा था कि मैं इस फ़ज़ा को तोड़ दूँगा और मैं वहाँ जाकर ये साबित करूँगा कि अब पाकिस्तान में या कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि खान साहब कुछ ही देर के बाद वहाँ से रवाना हो गए, क्या खौफजदा हो गए, क्या कहेंगे? कहने में बड़ा मशहूर है, एक बहुत अच्छा शेर सुनाता हूँ आपको। जी जी। ना खिले होतों के बदस, ना खिले होतों के तबस्सुम के खबर, ना खिले होतों के तबस्सुम के खबर, ना खिले होतों पे तबस्सुम के खबर, ना खिले तबस्सुम के खबर, उस महंगे में मेरी जहाँ से पत्थर बरसा। तो आपको नजर आ रहा है मीडिया साइड, ये सब मुस्लिम है। आप देखिए कि एक से दो जमातों के हजारों कारकुनान मीडिया टीम का पे, दो कारकुन दो जमातों के हजारों कारकुनान मीडिया के मुताबिक दूसरे से टकराते हैं, किसी एक का साथी एक जख्मी हॉस्पिटल में नहीं जाता और मीडिया में आता कि एक बहुत बड़ा बलवा हो गया। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा हैरान हूँ कि बल्कि शायद इसको हमें वाकई एक तमगा देना चाहिए कि इस तमाम सिनेरियो में ये पूरे दिन की एक्टिविटी जो भी हुई है, शायद कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गोली नहीं चली। हाँ, अगर कोई गोली नहीं चली, अगर जो मीडिया में आपको पते नजर आ रहे हैं वो एक जगह के हैं या छोटा सा कुछ चार पाँच कारकुनों के दरमियान बता दूंगा और उस फुटेज को दिखाया जाता है। अगर हम ये मानते हैं, अगर मीडिया के बकौल, अगर मीडिया ये कहता है कि दोनों तरफ से हजारों कारकुनान थे, तो जो फसाद होता है तो एक का तो सब फूटता है ना, सिक्योरिटी का, तो वह इतनी हाइट क्यों है? कोई तहरीक इंसाफ जिस तरीके से, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ जिस तरीके से ये दावा करती थी कि वो 14 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोग ले आएंगी, लाखों लोग ले आएंगे और उसमें बाद में वो नाकाम होती है, फिर वो लाखों लोग नहीं आ पाते। बिल्कुल जैसा इमरान खान के साथ एक बार फिर हाथ हो गया है और टोटल 400 से 450 लोग आ सके पूरे कराची से इस रैली के अंदर। तो जो आज इमरान खान मीडिया में आपको बता दिए वो ग्राउंड पर उस तरीके से खून नहीं सकती है। टोटल आपका कहना है कि 450 से 500 अफराद थे पूरी रैली में,
या 4,500 से 5,000 अफराद? नहीं, 450 से 500 अफराद का ये एक मुकम्मल काफिला था, जिसको कहा गया कि ये अजदहाम है लोगों का और एक हुजूम और बहुत बड़ी कोई कामयाबी मिल गई है। आप मीडिया के में रहते हैं, आप एक मास्टर शॉट उठाकर देखेंगे आपको लोग नजर आ जाएंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि टोटल कितने लोग को पूरी रेडी थी अंदर। और कहीं हम आपके मजा बस लगा था कि इस वक्त टोटल 2,500 लोग अगर मजा देखिए मजा नहीं है किसी और के पिच पर जाकर खेलना, खासतौर पर कराची के माहौल में इतना आसान नहीं है। और जहां पर आपकी तंजीम स्ट्रक्चर ना हो वहां जाकर अगर आप कैंप लगा रहे हो हम ये पता करेंगे तो इतना आसान नहीं होता है। करीब इम्पैक्ट के लिए जो है 2013 के इलेक्शन में और खासतौर पर 2014 में मार्च में आई थी वो इस वक्त मौजूद नहीं है। बाकी बातें बहुत है यार, अभी मीडिया हमें चलना है, मीडिया जिसे चाहे जब चाहे हीरो बना दे, जिसे चाहे जब चाहे हीरो से जीरो बना दे। आप कराची के माहौल से मार्केट में आप चीजों से वाकिफ है, अगर वहां पर 260 पोलिंग स्टेशन बनते हैं एक हल्के के अंदर, यानी के अंदर 260 पोलिंग स्टेशन बनते हैं, आमतौर पर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 8 बूथ होते हैं, एक बूथ होते हैं पोलिंग बूथ होते हैं, कभी हम एक पोलिंग बूथ नहीं देते, हम सिर्फ 4 पोलिंग बूथ होते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि 1,000 पोलिंग बूथ बनेंगे एक हल्के के अंदर, कम मिनिमम वगैरह 1,000 पोलिंग बूथ जो बनते हैं उस पोलिंग बूथ के अंदर हर पोलिंग बूथ के अंदर एक उस उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट का बैठना जरूरी होता है जो उन्हें देना होता है। आपको लगता है आप बाकी तक राज्य से लालूखेट करीमाबाद अजीजाबाद से आपको आपको हर पोलिंग बूथ के अंदर एक बंदा मिल जाएगा जो आपको माहौल बताया उसके मुताबिक, कैसा मुमकिन होगा? तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो आने वाला इलेक्शन है NA-246 का, इसके अंदर जिसको कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सलामती या मौत का सफर का आगाज हो जाएगा, उसका ये लेट्स डू एंड डाई सिचुएशन है जहां 1.5 लाख वोट पड़ते हों, जिसमें जो प्रीवियस हमारे कंटेस्टेंट थे नबील कबोल साहब इसी सीट से, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैंने जब विजिट किया इलेक्शन डे पर इन तमाम पोलिंग स्टेशंस का, तो मुझे वहां पर चंद दर्जन लोग नजर आए, कोई कतारें नजर नहीं आई, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया कि जिसपे वोटिंग हो रही हो। सर, मैं आपको हमारे यहाँ पर हम कहते हैं इस वक्त बहुत सारे लोग यमन के अंदर प्रॉक्सी चल रही है, यमन के अंदर सऊदिया और ईरान की प्रॉक्सी चल रही है, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं ना जी, आपको सुना होगा सही ना जी जी, ये प्रॉक्सी हम ये कहते हैं कि इंसान के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की प्रॉक्सी चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की प्रॉक्सी चल रही है, सत्ता ना चालू में सुना हम ये प्रॉक्सी को वर्ड एग्जैक्टली प्रॉक्सी को कर दिया, इस तरह पाकिस्तान की दाखिला के अंदर पाकिस्तान की दाखिला सुरक्षा है लेकिन इंटरनल सिचुएशन के अंदर भी प्रॉक्सी होती है। एक शरारती बच्चे को पैर दिया जाता है क्या, वो शरारती बच्चे जाकर पत्थर मारता है तो ये और फिर जो घर वाले परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो उसको कहा जाता है कि यार हमें ना आपको मतलब करवाने के लिए हमें पहल करवाया जाता है। एक प्रॉक्सी बनी गई खासतौर पर पिछले साल अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर चुनाव आपके अंदर जरा उस वक्त के अंदर एक हफ्ता बनाया गया बहुत बड़ा। चलिए अब आइए आप कराची के वाक्य को लेते हैं, रेंजर ना हिंदुओं को छापा मार दिया सेनेट के इलेक्शन के बाद जी ठीक है नतीजा जी जी सही, उसके बाद नबी को इस्तीफा देते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, उसके बाद 16 मिर्जा का वीडियो आता है एग्जैक्टली, उसके बाद इमरान खान आते हैं उसके बाद फिर नबी कबूल का बयान आता है। तो आपको तो पता है डाउन जाना चाहिए ना कि पहली कभी कहाँ पे शुरू हुई, ग्राउंड बनाया जाता है, जमीन का फेस की जाती है, फिर जमीन का सीना किया जाता है, हल जाता है, फिर उसे बीज डाले जाते हैं, तो फिर वो कल बनती है ना। तो जो ताकतें समझती हैं कि यहाँ पर प्रॉक्सी इंटरनल प्रॉक्सी के जरिए शरारती बच्चों को आगे करके किया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और आप ये मान लीजिए आपका सिर्फ यहाँ जो बुनियादी मकसद है
वही है दो बातें हैं बस, अगर ये तो वो साबित करना चाहती है वो कराची के अंदर अपनी मीडिया गाँव में जो बिल्कुल एक तरह को इलेक्शन है कराची का उसे मीडिया पिशावर में अगर पसंद पाते हैं तो जल्दी इलेक्शन भागा दो रहा है तो मतलब उसकी चलते हैं और कुछ भी नहीं होगा और लेकिन गति में इंसाफ उसकी धंधी का इंसाफ नहीं यहाँ पर तो तहरीके इंसाफ के अपने कारकुन ये कह रहे थे जो ऑन टेप उनका स्टेटमेंट्स है कि ये मुमकिन नहीं है कि तहरीके इंसाफ यहाँ से जीत सके और ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर आकर कोई बड़ा गोल स्कोर कर सके। अच्छा मैं आपसे क्योंकि बहुत ही मुख्तसर वक्त होता है हमारे पास और हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन के लिए वो तमाम बातें जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं चाहे वो नेशनल लेवल के लिए चाहे इंटरनेशनल लेवल के लिए उस पर हम आपकी राय ले सकें आपका तज़िया और तबसरा ले सकें। अगर हम मुल्की सियासत को एक तरफ इस वक्त जो भी हमने बात की इमरान खान के हवाले से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से अपकमिंग इलेक्शन के, लेकिन एक दूसरा जो टॉप इशू है वो है यमन वॉर और जैसा कि ये नज़र आ रहा था ये समझा जा रहा था कि इसकी एंड ये होगा कि इसको उस तरीके से हल किया जाएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या ऐसा ही हुआ? क्या शहजादे जो हैं वो बच गए? जी जी मकसद ये है कि क्या आप अमेरिका को देखिए और जो अमेरिकन रोल को और अमेरिकन रोल को और पाकिस्तान के रोल को मद्देनजर रखें अमेरिका ने भी कहा ना कि अमेरिका ने और अमेरिका ने फिर यह कहा कि उससे भी सप्लाई बढ़ाएगा लेकिन अमेरिका ने क्या किया क्या अमेरिका जन्म किया कि वो दाश के हवाले से किया अच्छा मैं अनीस मंसूर आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर इम्पैक्ट आपकी साउंड क्वालिटी नहीं आ पा रही है तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को अगर आप चेंज करें ताकि हम उसको प्रॉपरली आपकी बात को जी अब बेहतर है फरमाइए जी जी अब बहुत बेहतर है जी जी जनाब जो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह अगर अमेरिकन रोल को अगर देखें जी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर इस वक्त क्या उसका रोल क्या है तो आपको बहुत सारी आगे की सियासत जो है वो सामने आ जाएगी कि सबसे क्या रहा है तो आप उसका रोल देख लीजिए तो आपको यहाँ पता चलेगा कि आइंदा क्या अगले 10 साल बाद का यहाँ मामला क्या होगा लेकिन इधर पर इस प्रकार जीएम की तरफ से जो घूमती आने की जाइए पाकिस्तान के लिए जिससे पाकिस्तान के मुताबिक बहुत ज्यादा देखने पड़ेंगे आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं कि यमनी क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये अब हल की तरफ जा रहा है या इसमें मजीद तेजी आती चली जाएगी? देखिए हम इसको आप यमन तक कनेक्ट न करें क्या यमन का मामला जो शुरू हुआ है इसको आप शाम के मामले को अलग कर सकते हैं क्या शाम के मामले को आप इराक के मामले को अलग कर सकते हैं क्या इराक के मामले को आप लीबिया से अलग कर सकते हैं क्या लीबिया के मामले को आप अमेरिका से अलग कर सकते हैं क्या आप अमेरिका के मामले को ईरान से अलग कर सकते हैं क्या ईरान के मामले को सऊदीया से अलग कर सकते हैं क्या सऊदीया के मामले को पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं तो ये सब एक चेन इलेक्शन है ये सब चेनें एक साथ मिली हुई है तो अगर हम ये कहते हैं जो है जमन का मसला हल होगा नहीं जमन का मसला हल होने से पहले बहुत सारे दीगर मसले होने चाहिए और वो मसले जब तक हल नहीं हो गए तब तक चाहे वो जमन हो चाहे जब तक शाम हो चाहे जब तक इराक हो चाहे जब तक मीडिया हो चाहे सुप्रीम हो इन तक के मसाइल खत्म नहीं हो सकते तो जो बेसिकली जहाँ पर ये मसाइल हैं जहाँ पर
अपनी ताकत के सूट के लिए और अपनी इलाकाई बालबक्सी के लिए मामला कर रहे हैं, तब तक ये मामला हल नहीं होंगे, तब तक कभी यमन खड़ा होगा तो कभी शाम का मसला खड़ा हो जाएगा, कभी जो है वो अफगानिस्तान का मसला खड़ा होगा। तो इन सब चीजों को एक साथ देखना होगा। अगर हम इन हर चीज के लिए समझेंगे तो हर मसला अलहदा लगा लेगा, तो शायद ये उनको नहीं होगा। यहाँ पर देखें, हमारी जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है वो तमाम का दायरा जो है वो मुमलिकत इस्लामिया या फिर फेथ के इर्द गिर्द घूमता है। हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकलते और बाकी दुनिया में दूसरे चैप्टर्स में हम कभी भी अपने आप को वहाँ पर फाल नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में हम मुसलसल जो है वो तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे हैं। हमें बाकी दुनिया की तरफ देखना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इसमें हम कहाँ चूक करते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सारे मामलों को देख कर इस पर फैसला किया। आप क्या समझ रहे हैं, जैसे आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये फैसला कर दिया कि माँ कॉर्मेंट जानी चाहिए तो क्या पाकिस्तान आप इन सारे मामला की तरह नहीं समझिए कि अगर इस तरह के अमूमी फैसले जो है वो पहले हो जाते हैं और उसके बाद जिस मामले को लटकाना होता है तो फिर वो वहां पर जाता है। आप याद होगा कि तरह गलती के अंदर करके इस तरह के मामला थे तो वहां पर पार्लियामेंट के थ्रू फैसले होते थे और वहां का जो ताकत जो है वो ताकत का मुंबर जो है वो कॉर्ट के पास था, तो वहां पर जो मुतनाजा है वहां पर दुनिया के हवाले से फैसले होते थे वो पार्लियामेंट के थ्रू बताए जाते थे। होता यह है कि क्या बातें हैं, पार्लियामेंट की बात को माना गया या पार्लियामेंट में किसी की बात को माना, ये बहुत बुनियादी सवाल है। किसने किसकी बात को माना, तो ये बधा भी अगर आ रहा है कि पार्लियामेंट की बात को सबने मान लिया, लेकिन पार्लियामेंट ने किसकी बात को माना ये गलत है। बजाय तो ये लगता है कि पार्लियामेंट को डिक्टेट किया गया है कि आपने या ये पूरा का पूरा पहले से प्लान तैयार था कि इस ऊंट को किस करवट बिठाना है। वैसे आईना कोई और है तो हम कब तक आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान जब अगर 5 लोगों के साथ 15 से 30 सरकारों के साथ मिली हो तो फिर क्या होता है, कहाँ से लाइन होती है? तो आपको भी उनमें मुझे उनमें जो असल मामला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसको कितना प्रेसिफाइज करना है, ये सबको मालूम है। या फिर हमें आज फिर 10-15 साल इंतजार करना पड़ेगा कि जिस वक्त कोई राजों की अपनी संदूकची को खोल दे और उस नाम के साथ रिटायर्ड भी लगा हुआ। ये नहीं होगा तो रिटायर्ड का वर्ड लगेगा और के साथ फिर वो एकदम जो रात खोलने के लिए आ जाएगा, देखिए ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, मैं तो शरीर छोड़ पाता और जो कुछ भी हुआ वो मैंने खड़ी किया। ये जो हमारे यहाँ पर एक तरह मुफ्ती किताब पढ़ा देते हैं शहाबनामा, तो शहाबनामा भी यही है कि उसमें अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी लिखा गया है तो उसमें सब लोग बंदे थे लेकिन मैं नहीं कोई था। तो बिल्कुल इसी तरह आप जितनी भी राय राखी जाती है उसमें दूसरों पर इल्जाम ज्यादा होता है, तो फिर अब जब किसी को पारदारी का दावा होगा और वो अपनी किताब लिखेगा तो उसमें लिखेगा कि देखिए मैं तो रिटायर्ड हो गया और मैंने तो अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी लेकिन नहीं ये गलत किया, तो ये अगर होगा तब देखेंगे तो उसके बाद भी राज करेंगे। असल इसमें जो भी दिखाया जा रहा है वो सिचुएशन नहीं है, इसीलिए अखबार में बहुत अहम बातें बनती हैं। अगर आप बताएं लगे कि आपके मामला क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे अभी तक आप पार्लियामेंट की बात की लगे बहुत सटल सी गुफ्तगू की गई है, ऐसी गुफ्तगू की गई है कि जिससे जो पॉलिसी बयान नहीं है जिससे अवामी बयान आता। ठीक है बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब का क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड है? जैसे कि अभी दो दिन सऊदी अरब ने यूएई के जरिए अपना रिएक्शन दिला दिया ना, मुझे ना ये तो वाले वाल में बहुत कुछ खराबी लगता है। तुम बयान दे यूएई ने जो आप बयान दिया है वो बिल्कुल बाद यूएई का बयान देखे ना उसके बाद पाकिस्तान के उसके खतरनाक लगाई ग्रामीण बहुत में होंगे तो और ये साबित हो गया कि अरबों की तरफ से अरब तक तो उनका बयान लेकिन ये की तरफ से आया तो बाद तौर पर ये कह रहा है। और क्या आपको लगता है कि ये बयान सऊदी की मर्जी के बगैर आया होगा? ये इतना ज्यादा इस तरह का बयान पाकिस्तान में डाल दिया तो सही है, तो अब हम भाई भाई नहीं रहे? नहीं, हम तो कभी भाई नहीं रहे, वो तो अरब और वो ना तो अरब और रशियन बना रहा तो बना था मोदी को, वो तो बिल्कुल ठीक है उन्होंने अरब किया है तो अरब। लेकिन हम जो अपनी शहरक से करीब समझते हैं और हम जो अपनी तमाम जिंदगी में
हमारा रिश्ता उनसे इतना मजबूत है कि हम खून के रिश्तों को छोड़ देते हैं, हम अपनी ज़मीन के रिश्तों को छोड़ देते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम अपने उनकी हिफाजत के लिए हम तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे, और उस पर क्या रिएक्शन आता है हमारी सरकार की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि हमें इसके ख़तरनाक नतीजे भुगतने होंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली ये कहा गया है हिकमतयार की तरफ से कि वो उनके पास एक लश्कर तैयार है जो वो सऊदी अरब को देने के लिए राज़ी हैं, और फिर उसके साथ साथ सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनकी जो अलाइज हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा खुदकश बमबार मौजूद हैं जो हम यमन भेजकर वहां तहस नहस कर देंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? यमन को शाम के साथ जोड़ें, शाम को आप इराक के साथ जोड़ें, इराक को ईरान के साथ जोड़ें, ईरान को अमेरिका के साथ जोड़ें और अमेरिका के साथ जोड़ें। इसी तरह आप इतना ब्याज के बयान बोलेंगे तो इतना ब्याज के बयान को आप जोड़ें तालिबान के साथ। देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस वक्त मौजूद है अरब ममालिक के अंदर की सऊदी और कतर के दरमियान की। अब ये बड़ा खुल कर सामने आया था जब मिस्र के मामले आते, मिस्र ने अकवामी मुस्लिम को कतर ने सपोर्ट किया था और इस वक्त सऊदी अरब उसको सऊदी अरब सपोर्ट किया था। जब दोनों के दरमियान बहुत शदीद इख्तिलाफात दोनों में से सभी भी बुला दिए गए, ये गलत बात है कि अभी जमन के मामले में कतर दोनों साथ है लेकिन बहुत महदूद पैमाने पर है। तो कतर और सऊदी अरब के तालिबात भी इतने अच्छे नहीं थे। अब आप ये देखिए कि इसमें प्यार का अफगानिस्तान के अंदर एंटी ग्रुप कौन वो है तालिबान, इसमें प्यार और तालिबान ये ग्रुप महापर है ना, जिन्ना जिंदगी और जिंदा और ये तालिबान। अब तालिबान का हर ऑफिस कहाँ, तालिबान ने अपना मरकजी डॉक्टर का ऑफिस बनाया है कतर के अंदर, तो तालिबान का झुकाव कतर की तरफ है, फिर आप ये देखिए कि इसमें प्यार का जुटाव किस तरफ होगा, इसमें प्यार का जुटाव यकीन तौर पर सऊदी की तरफ होगा क्योंकि वो दोनों आएंगी। दूसरी बात ये देखिए कि बहुत ज्यादा जब ये दाइश के हवाले से बात कही जाती है कि दाइश ने को ज्यादा सामने चाहिए कि दाइश के पीछे किस हद तक कतर के बहुत सारे सरमाकारों ने उसको पसंद दिया, इसकी बात ऑन रिकॉर्ड आई है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन कतर इसको मना करता है कि नहीं उसने इस तरह की बात नहीं की। अरब लीग के इजलास में भी दाइश के मसले पर कतर का मकसद कुछ होगा, तो अब दाश जो है वो सऊदी के खिलाफ है, तो अब ये कैसे ये है कि बहुत सारे जो कतरी तालिबान ग्रुप था वो दाश की तरफ मुंतकिल हुआ पाकिस्तान से। मैं ये बहुत क्लियर और बहुत साफ तौर पर ये बता रहा हूँ, आप अपनी बात दोहराएंगे, मैं माजर चाहता हूँ, ये बहुत सारे तालिबान का मेन जो कतरी सपोर्टर के साथ था दाश की तरफ मूव हुआ। तो अब यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप जो है इन मिलिटेंट जिन का या इन ऐसी जमातों का जिसका रुझान जो है वो कुछ का कतर की तरफ है, कुछ का रुझान जो है वो सऊदी की तरफ है। तो अगर तालिबान का झुकाव कतर की तरफ है तो यकीन तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि मजार का झुकाव जो है वो सऊदी की तरफ होगा। तो मजार के बयान जो ज्यादा सियासी और अपने वजन के हिसाब से एक तरफ झुकाव साबित करने और वहां से जाहिर है फिर ऐसे बेनिफिट्स होते हैं और हमारे मुल्क की जो मुट्ठी भर सियासी जमातें हैं, जो तांगा पार्टीज हैं, वो जिनको हम फंडामेंटलिस्ट भी कहते हैं, चाहे वो मौलाना आज़म तारिक की हो या फिर वफाकुल मदरसा के ताहिर अशरफी साहब हैं, वो उनका बड़ा गर्मा गर्म दौरा हुआ इस वक्त सऊदी अरब का, और उन्होंने काफ़ी ठॉल क्लेम्स किए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुल्क में किसी किस्म की फ़िरकावाराना फसादात की कोई तैयारी की जा रही हो? क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक मरतब एक तरीके से इस चीज़ को फ्रीज कर दिया, कंडीशनल कर दिया कि अगर यमनी एडवांस करते हैं तब हम उस तरफ बढ़ेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम किसी भी तरीके से फरीक नहीं रहेंगे इस जंग में, लेकिन इस नज़रिए को, इस पार्लियामेंट के डिसीशन को ख़त्म करने के लिए क्या मुल्क में आपको ऐसा नज़र आता है कि कोई फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हो सकती है ताकि सिचुएशन और टेंस हो? देखें मैंने आपको इस तरह से कहा कि इस तरह से नहीं, जो उसने बताया जो अक्सरियत है जो इनका जो तशद्दुद पर बड़ा माहौल हो सकता है वो इस वक्त इस सिलसिले में नहीं जाएगा, इस वक्त ना पाकिस्तान की फौज
ہوتا ہے کوئی گیم الاؤ نہیں کریں گے. جہاں تک دیکھیں اب کسی بہت طرح سمجھنے کی بات ہوئی ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ جہاں پر امریکن کے طالبان امریکن کے درمیان یہ معاملہ تھا کہ قوم کسی بہت میں وہاں پر سو رکھتا سڑکوں کا بھی ایشو ہے جو ہمارے یہاں پر قیدی یا قلقی یہ جو ہری نظریات ہیں وہ یہاں پر دیوبند نظریات سے زیادہ کھول رہا ہے. تو آپ دیکھیے جماعتی دعویٰ جو ہے وہ زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہے. بہ نسبت اس کے جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس کے لیے نکلیں ذرا ایک بات تو بہت سہی گا یہ دیگر جماعتیں اس وقت پاکستان کی فوج پاکستان کے دیگر اداروں کو دیکھ رہی ہے. تو جماعتی دعویٰ کی جو نظریاتی طور پر زیادہ قریب ہے اس وقت سعودیہ کے اس وجہ سے انہیں کی طرف سے آپ دیکھیں گے جنہیں کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں دیگر چیزیں نکالی جا رہی ہیں. لیکن جو دیگر گروپ ہیں جو اس میں آپ دیوبند گروپ جو ہے یا جو بریک ہیں وہ اس حوالے سے اتنے سرگرم نہیں ہیں. تو یہ بڑا مائنس ہے جیسے ابھی تک جو زیادہ سرگرمی نظر آ رہی ہے. آج ایک طرح سے ہرمین شرپن کانفرنس جماعتی دعویٰ نے بلائی تھی جس میں بہت سارے مختلف شدید مطالب کے لوگ موجود تھے لیکن وہ اتنی اتنی تھوڑا پاور سے اپنا مسئلہ نہیں دے سکتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں مسئلہ جو ہے کہ جماعت دعویٰ سے لیڈ کر رہی ہے جماعت دعویٰ ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے میں آپ سے نٹ شیل میں بالکل اگر آپ جواب دے پائیں کیونکہ پھر ایک ہفتے کے گیپ آ جاتا ہے ہمارے پورے پروگرام میں. اگر میں آپ سے انسٹنٹلی پوچھوں کہ این اے 246 میں عمران خان کو عبرت ناک شکست ہوگی یا کچھ نہ کچھ سسٹین کریں گے وہ جماعت اسلامی نے بائی پاس نہیں کیا نا جی میں آپ کو بتاؤں جماعت اسلامی کے لوگ کیا ہیں تو تیری جنتا سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے ان کا کمپیک آپس میں چل رہا ہے جناب. ٹھیک ہے انیس منصور جی جی مکمل کیجیے بات. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ 3 الیکشن میں اگر جماعت اسلامی الیکشن کر دے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ تیری جنتا کو کچھ زیادہ ووٹ مل جائے. لیکن اگر تحریک انصاف میں اگر جماعت اسلامی بائیک آؤٹ کر جائے گی تو جماعت اسلامی بالکل امی طور پر اگر اس میں شامل لے گی اور نہ ہی اپنے پڑے نظم پرووائڈ کرے گی تو تحریک انصاف کو 32,000 ووٹ جو آپ نے پچھلی بار کاؤنٹ کیا تھا اس سے بہت کم ووٹ ملیں گے. بہت کم ووٹ ملیں گے. بہت بہت شکریہ انیس منصوری صاحب آپ کا وقت دینے کا ہمارے ساتھ رہنے کا اور پاکستان کی پولیٹیکل نیشنل پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل پولیٹکس میں پاکستان کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پورا بریف کیا اور بتایا. اچھا ناظرین اس کے ساتھ ہی اس وقت ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یو کے میں آنے والے الیکشنز اور ان الیکشنز میں ایشین کمیونٹی کی کیا پارٹیسپیشن ہے اور ابھی گزشتہ ہفتے میں کیا اتار چڑھا ہوا یو کے کہاں پر ہے کنزرویٹو کیا کر رہے ہیں لیبر کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس میں ہوں گے ڈاکٹر آصف حیدری. سو سی یو آفٹر دا بریک. لیٹس ٹیک اے بریک.